आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि अगले घंटे में हम आपको चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की ताजा हेडलाइंस भी बताएंगे और समझाएंगे भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस शासन में आस्था का पालन करना गुनाह था। यह खबर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापी है। पीएम मोदी ने राजस्थान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2 से 3 दिन पहले मैंने कांग्रेस को इस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और एनडी गठबंधन वाले इतना नाराज हो गए कि वो हर तरफ मुझे गालियां देने में जुट गए हैं। ये आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रहार उन पर किया है। और देखिए आपको अखबार की हेडलाइन भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में आस्था का पालन करना भी गुनाह था। और भास्कर के साथ साथ दैनिक जागरण में भी खबर जो है प्रमुखता से छापी गई है। ये देखिए कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना और आस्था का पालन भी गुनाह करना था, ये गुनाह था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर और छत्तीसगढ़ पहुंचे थे जब उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। और देखिए इस दौरान वो निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए कहीं ना कहीं चारुल, जैसे कि पहले हम लोग जिक्र भी करते रहे अपने पिछले प्रोग्राम्स में कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति अगर ना हो चुनाव में तो ऐसा मुमकिन है। और कहीं ना कहीं यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, बीजेपी की तरफ से की गई है जब वो पहुंचे हैं टोंक राजस्थान के, क्योंकि वहां पर अगर देखें आधी आबादी जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और कहीं ना कहीं जो बाकी प्रतिशत है वो हिंदू का है। तो कम से कम हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। अगर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तो आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते थे, कर्नाटक की घटना का भी जिक्र किया जहां पर एक शख्स दुकान में बैठा हनुमान चालीसा सुन रहा था तभी कुछ लोगों ने उसे पीट दिया, तो इस घटना का हवाला भी उन्होंने दिया। और साथ ही साथ जब राजस्थान पहुंचे तो यहाँ की जनता से कहा कि पहले तो आप राम नवमी भी नहीं मना पाते थे कांग्रेस के शासनकाल में, इसलिए वक्त आ गया है कि आप बदलाव दें। और चूंकि सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो सीट की हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि पार्टियां कुछ भी कह लें लेकिन चुनाव जब जब देश में होता है तो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसे में बीजेपी का जो प्राइम फोकस है वो सनातन पर ही रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात तो कर ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि धर्म का एजेंडा जो है वो इस चुनाव में उतना ही हावी है जितना अब से पहले के चुनावों में रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक में जिक्र करते हैं कि दुकानदार को हनुमान चालीसा सुनने पर पीटा जाता है, फिर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया था ऐसे में उसके कार्यकर्ता तो हनुमान चालीसा सुनने पर मारपीट करेंगे ही। यानी वो इस चीज को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर सनातन आप चाहते हैं कि रहे, अगर हिंदुत्व चाहते हैं कि सुरक्षित रहे तो उसके लिए आपको बीजेपी को चुनना होगा। इसी के साथ साथ वहीं पर आप देखिए कि प्रियंका गांधी भी कहती है कि मेरी मां ने मंगल सूत्र दिया है, कुर्बान किया है इस देश के लिए, अगर प्रधानमंत्री इस बात को समझते तो ऐसी बातें ना करते। तो कहीं ना कहीं ये वो टाइम है जब जो पार्टियां हैं जो नेता हैं वो हर पैंतरा आजमा रहे हैं। और राजनीति में कहा ही जाता है साम दाम दंड भेद, हर तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है। यहां सिंपैथी कार्ड भी खेला जाता है, यहां विकास का एजेंडा भी लाया जाता है और धर्म ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिससे कोई भी पार्टी बच नहीं सकती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए पहले चरण के चुनाव के बाद जब दूसरे चरण की बारी आ रही है तो राजनीति का ये स्तर, ये जो छवि है जो पहले के चुनावों में भी हम अक्सर देखते आ रहे हैं वो एक बार फिर से प्रबल होती हुई नजर आ रही, एक बार फिर से धर्म एक बड़ा मुद्दा। और देखिए अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक जो है वो हिंदू को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों की बात जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस आखिर उन्हें कैसे कोटा देगी, क्या एससी एसटी का कोटा जो है काटा जाएगा। यानी एक कोशिश बीजेपी की हो रही है कि तमाम हिंदुओं को एकजुट किया जाए। ब्राह्मण समाज तो उन्हें वोट दे ही रहा है लेकिन वो चाह रहे हैं कि एससी एसटी का जो कोटा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास गारंटी दे रहे हैं इस पर।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी देते हुए भी इस पर नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो छवि है, धर्म की जो बात है और जातियों की जो बात है, आरक्षण, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों और पिछड़ों में आपका जो आरक्षण है उससे काटकर मुसलमानों को नहीं दे दिया जाएगा, इसकी गारंटी क्या कांग्रेस दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि मोदी सरकार इसकी गारंटी